देखिए क्वेश्चन नंबर 183, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 183 का आंसर आएगा ए 8। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो 184 का 4 का आएगा बी कैक्रोमोमेनोन मनुष्य। 185, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। 185, 155 सी, इन दोनों में बीजों से और तना काटकर। 186, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। 186 का आएगा डी जल। इंसुलिन प्राप्त होता है बी डहेलियों की जड़ों से। वन एट्टी एट क्वेश्चन, हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो वन एट इसका है बी जीन के संश्लेषण के लिए। 189, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है बी रफलेशिया। 189, तना काटकर आमतौर से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? 189, 189 का आएगा बी गन्ना। मटर एक पौधा है ए शाक। 192, विकास का मुख्य कारण है ए उत्परिवर्तन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है ए भौतिक परिवर्तन एक का एक उदाहरण है। 194 का डी पानी में चिलनी का घुलना। 195, जब तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से ए एल्यूमिनियम के। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है सी लोहे और क्रोमियम का। 197, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। 1 शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः प्रयोग करने के द्वारा। 199, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? बी एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है वी सारा भाई बी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है प्रकाश बी। बी प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें सी दूध को कुछ देर तक गर्म किया जाता है तथा और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा किया जाता है। एम्फीबिया बताता है डी जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। 204, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। 205, 20 नवंबर 1997 को छेड़े गए अमेरिकी स्पेशल स्थल का नाम था ए कोलंबियो। गामा किरणें है। 206,
ये उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। 207 ए यूरेनियम का अल्फा कणों से जिस धातु को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है। सी तन्य निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? अणु का। ए निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? तो बी पृथ्वी।